Hi guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं सलमान R2W चैनल से लेटेस्ट कॉमेडी वीडियो सलमान R2W लकी R2W. स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, इसकी ओरिजिनल लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डू चेक इट आउट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लकी भाई, तुम काहे के दौड़ बने फिरते हो यार? सद्दीक के लोड़े ने मुझे फिर मारा. आज उसका फुलन फाइनल ही कर दूं. सकल देखते ही मूड निकल जाएगा ना, सकल देखते ही. चल, उनको पीट दिया और वो बचाने जा रहे हैं. वाह, इसे लाया है घटवे को. हाँ, बोलेगा अबे, मारेगा मुझे. चल, मेरा मन ना हो तुम उसकी डांट में डर गए. अबे तो मैंने तुझसे कही ना थी कि सिगल देख के ही मूत निकल जाएगा. देख नीचे को. अबे यार, तुम्हारा निकल गया मूत यार. अबे साले बेइज्जती का वाला मारो यार भाई साहब इसे. मैंने यहां पे और मूत के भाई जोन में मेरी बहू ने झाड़ू लगा. मेरी बहू ने झाड़ू लगा. सलमान भाई, क्या बात भाई, कैसे चेहरे पे मायूसी है तुम्हारी? यार सयान भाई, वो अपना पठान ना, उस साले पे 2 लाख रुपए है मेरे, उसका कुछ अता पता हो तो बता दो. पता नहीं कि पठान मर गया है या कितने कॉपी जेरॉक्स के बाद ये वाला पता निकले का पता नहीं. ना मैं तुझसे अपना मुंह टूटवाऊं, ना मैं तेरा दिल तोड़ूं, मैं तोड़ूंगा सिर्फ तेरी सील. हाथ लगते सारी सरिया हो जा, उससे तोड़ूंगा. टेंशन ले रही तू, आज चलूंगा. अपने आप को देखा है क्या कभी? तेरी तो हाइट भी नहीं मिलती मुझसे. अबे तो तू मेरी हाइट से के ले, इसकी हाइट से ले या लंबा. इसकी तो बहुत तकलीफ हो गई ना. और भी चलो यो मेरे को. हाँ तो हम तो इसकी हाइट की बात कर रहे हैं. तुमने तो मजा खड़ा कर दिया. मेरी गाड़ी ले रही है. लक्की भाई, तुम्हारे बलीमे में मजा ही आ गया. एक एक आइटम बेंच लग्जरी था. इनका बलीमा भी हो गया. मैं तो बिल्कुल मस्त था. और क्या कहा मैं उसे? चिकन मस्त था. वो पाया मस्त था. नहारी मस्त था. मैंने तो तुम्हारे मुँह में फलांग दिया. मस्त था. मुँह की कहाँ सा बात लिया ना है पीछे को जाके उसका सद्दी के लोटे का देख लिया. यार तू झूठ मत बोले, कल टाइम से तेरा बजे का काम सद्दी के लिए. बोल भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? गांव चाहिए तेरी, देगा तार पहन चोट मान जा. बोल भैये बोल, सुबह से लगाई पड़ा लगा दे. हट भावला. क्या अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था ना, तो क्यों आया यहाँ पर? हट, कच्चे के मारे यहाँ को आ गया. वैसे सही बात है, एक अंडरवियर के लिए तुम किसी के भी घर चले जाओगे कि हाँ भैया मेरा अंडरवियर यहाँ रह गया है, दे दो. सीरियसली भाई, मतलब मुझे लगता नहीं है कि हाँ ऐसा कोई जाता है. मतलब मांगने में भी शर्म आएगी यार. किसी से भी कहने में शर्म आएगी क्या? भैया मैं कच्चा रह गया है, वो दे दो. हाँ तुम्हारा दोस्त वोस्त ना हो तो अलग बात है ना, क्योंकि दोस्तों के बीच में तो ये सब फ्रैंक होता है, एवरीथिंग इज एकदम ट्रांसपेरेंट होता है ना. सो हर एक चीज़ जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, तो इतना माइंड नहीं करते एक दूसरे की बातों को, है ना. सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.